वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं नेहा कटारा त्यागी आज आपको एक और नई डिश बताने वाली हूँ। तो उस डिश का नाम है टेस्टी हेल्दी एंड डिलीशियस आइसक्रीम। ऑब्वियसली लॉकडाउन की वजह से हम बाहर खाना पसंद नहीं करते हैं, तो बच्चों की डिमांड होती है कि उनको आइसक्रीम खानी है, तो आज हम बनाएंगे होममेड आइसक्रीम, वो भी बहुत कम इन्ग्रीडियंट्स के साथ और हेल्दी। तो यू कैन सी मेरे पास बहुत ही कलरफुल इन्ग्रीडियंट्स हैं। तो ये है हमारा वाटरमेलन, मतलब तरबूज, जिसका पल्प निकाल के मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। ये है मैंगो का पल्प, उसको मैंने अच्छे से पूरा ब्लेंड करके फ्रिज में रखा हुआ है। और ये है फ्रोजन बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने हाफ के जी ऑफ मिल्क लिया है, इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसको हमें अच्छे से बॉईल करना है, थोड़ा सा गाढ़ा करना है। और दूसरा हम जो लेंगे वो मैंने रूम टेम्परेचर पे मिल्क लिया है, और मैं इसमें मिक्स करने वाली हूँ आटा। हाँ, मैं इस आइसक्रीम में थोड़ा सा आटा ऐड करने वाली हूँ, जिससे इसमें एक थिकनेस आ जाए। तो हाफ के जी ऑफ मिल्क में मैं 3 to 4 स्पून आटा यूज़ करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो मैंने आटा और मिल्क को अच्छे से मिक्स किया। आप ध्यान रखें इसमें लम्स नहीं होने चाहिए, अच्छे से आपको ये ब्लेंड करना है, मिक्स करना है। तो अब मेरा जो मिल्क है वो अच्छे से बॉईल हो चुका है। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड दिस मिक्सचर इन मिल्क, और उसके बाद हमें इसको कंटिन्यू चलाना है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। शुगर इज़ हाई इन कार्बोहाइड्रेट, बट बच्चों के लिए शुगर इनटेक बहुत ही कंपलसरी है, कार्बोहाइड्रेट बहुत कंपलसरी है। सो हम इसे दे सकते हैं। अगर आप अपने लिए बनाना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ हनी एंड शुगर इनटेक थोड़ा सा कम रख सकते हैं। तो मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी है। शुगर अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें, अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। तो अब शुगर ऐड करने के बाद हम इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से बॉईल करेंगे, तब तक ये पूरे अच्छे से थिकनेस ना हो जाए, इसकी अच्छे से थिकनेस ना हो जाए और ये अच्छे से जो इसमें हमने आटा मिलाया वो थोड़ा सा पक जाए। तो 5 से 7 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे, फिर इसको हम ठंडा करेंगे 20 मिनट। ये हमारा जो मिक्सचर है, अब हम इसको मिक्सर में थोड़ा सा चर्न करेंगे ताकि थोड़ा सा फॉर्मी सा स्ट्रक्चर इसका आ जाए। 5 मिनट मिक्सी में चलाने के बाद ये थोड़ा सा इस तरह से स्ट्रक्चर आ जाएगा। आप प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा कि पूरी तरह से ये ठंडा होना चाहिए। अब शुरू करते हैं हम आइसक्रीम बनाना। पहला हम बनाएंगे मैंगो। तो मैंने इसमें से लिया है 1 कप ऑफ आइसक्रीम बेस मिक्सचर, एंड ये जो मैंगो का पल्प मैंने निकाल के रखा हुआ है। अब इन दोनों को हम फिर से भूनें मिक्सर में 2 मिनट के लिए थोड़ा सा चर्न करें। कैन सी मेरा पहला आइसक्रीम का मिक्सर तैयार हो चुका है। मैं उसको एक कप में निकाल दूंगी। आप चाहें तो कोई भी कटोरी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आइसक्रीम का कंटेनर आपके पास हो तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी पहली आइसक्रीम का बेस रेडी है, अब हम सेकंड की तरफ जाएंगे। उसी प्रोसीजर से हम अपना सेकंड आइसक्रीम बेस बनाएंगे, वाटरमेलन, जो कि मैंने फ्रिज में रखा हुआ था पल्प निकाल के। एंड ये जो हमने मिल्क एंड होल व्हीट फ्लावर से आइसक्रीम बेस बनाया है वो हम मिलाएंगे, एंड सेम प्रोसीजर हम इसको मिक्सचर में थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। एज सेकेंड मिक्सचर इज रेडी, वाटरमेलन फ्लेवर आइसक्रीम। तो अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ। अब थर्ड बेस के लिए मैंने एक बनाना लिया है, मैंने इसको 2 घंटे पहले फ्रिज में रख दिया था। जैसे कि आपको पता है बनाना का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है काटने के बाद, थोड़ा सा ब्लैक कलर आ जाता है। तो मैं इसको एक और ट्विस्ट देना चाहती हूँ, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हर्शी स्प्रेड, ताकि ब्लैक हो और चॉकलेट जो है दोनों का कलर मिक्स होके चॉकलेटी सा कलर इसमें आ जाए। तो मैंने ये हर्शी स्प्रेड इसमें ऐड कर दिया है, एंड नाउ ये हमारा आइसक्रीम बेस।
और हम सेम प्रोसीजर के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। सो आवर थर्ड आइसक्रीम बेस इज रेडी, बनाना हर्शी स्प्रेड एंड मिल्क बेस। सो अब हमारे पास जो लास्ट बेस बचा है उसमें मैं ऐड करूँगी नारियल। आप चाहें तो इसको कोई भी फ्लेवर दे सकते हैं, लाइक वनीला एसेंस आप ऐड कर सकते हैं, कस्टर्ड वनीला कस्टर्ड आप ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट आइसक्रीम के फॉर्म में आप इसको बना सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑलमंड्स। तो ये हमारी 4 टाइप की आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, या फिर इसको मिक्स करने के लिए एक बार मिक्सर में भी डाल सकते हैं या फिर चम्मच से हम इसको मिक्स कर सकते हैं। तो आपने देखा किस तरह से बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने आइसक्रीम बनाई। तो बाहर का खाने से इस टाइम बचें, अपने बच्चों को घर का बना हुआ खिलाएं, थोड़ा हेल्दी खिलाएं। सो ये आप देख सकते हैं 4 फ्लेवर की आइसक्रीम है, दैट इज मैंगो, वाटरमेलन, बनाना एंड हर्शी स्प्रेड एंड इसमें नारियल एंड ऑलमंड्स। ऐसे ही आप और भी फ्लेवर लाइक पाइनएप्पल या फिर चॉकलेट या फिर वनीला फ्लेवर से बना सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप घर पे बनाएं, बच्चों को हेल्दी खिलाएं। इवन आप ही इसको ट्राई कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो अब हम इसको रेफ्रिजरेट करेंगे, फ्रीजर में रखेंगे फॉर 8 आवर्स। सो यू कैन सी आइसक्रीम इज़ रेडी। 8 घंटे हमने इसको रेफ्रिजरेट किया है, उसके बाद ये रेडी है। खाने में बहुत ही डिलीशियस है, तो प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपने बच्चों को खिलाइए, आप खाइए। बट उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू सो मच।